This I will badam ba kaal. Rawat sahab, we respect you. Janab, na Gilani sahab, na Yasin sahab, na Mirwais, na Engineer Rasheed, aapko politics mein drag karta hai. It is New Delhi which is dragging Indian army into politics. Because J&K dispute is a purely a political issue. And they are trying to give a military solution. Aur isiliye political issue ko ek military issue mein banane mein Hindustan ke siyasadan successive governments kaam kar rahi hain. Aur Bipin Rawat sahab aur unki fauj ko hum nahi drag karte hain Kashmir issue mein. Politics mein. Unko drag karta hai Narendra Modi ji. निर्मला सीतारमन साहिबा, राजनाथ सिंह जी, उससे पहले मनमोहन सिंह जी. 30 साल तो बहुत लंबा अरसा होता है. रावत साहब, करेक्ट यूर इन्फॉर्मेशन एंड डोंट मिसलीड यूर कंट्री मैन, बिकॉज इट इज नॉट पीपल ऑफ कश्मीर विच आर ड्रैगिंग यू इन द पॉलिटिक्स. बिकॉज J&K इशू इज नॉट अ मिलिट्री प्रॉब्लम, इट इज नॉट अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, इट इज प्योरली अ पॉलिटिकल इशू एंड इट इज न्यू डेली विच इज ड्रैगिंग यू इन ऑल दिस वट वॉज नन ऑफ यूर बिजनेस. लिहाजा अपने अल्फाज रावत साहब को वापस लेने चाहिए एंड ही मस्ट अपोलोजाइज. उसे खुला कहना चाहिए दिल्ली की सरकार से, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से, कि फौज का काम लोगों पर गोलियां चलाना नहीं, फौज का काम सरहद की हिफाजत करना है. और लास्ट पॉइंट मेरा वेरी इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव अगेन, एडवाइजर साहब जो हमारे हैं लॉ एंड ऑर्डर के विजय कुमार, आप सब जानते हैं, वो जब यहां आए तो बड़े चर्चे थे. कहा इन्होंने वीरप्पन को मार दिया है. अरे बाबा, क्या आपको किसी ने कहा इन कश्मीर एवरीबॉडी से वीरप्पन? आपको रियाज नायकू, जाकिर मूसा, इंजीनियर रशीद, सैयद अली गिलानी, यासिर मलिक, बाकी सारे लोग वीरप्पन नजर आ रहे हैं. यहां कोई वीरप्पन नहीं, धोखे में मत रहो. मारा होगा आपने उन्हें वीरप्पन को. हम यहां संदल समंदर नहीं है, हम डाकू यहां नहीं बैठे हैं. वी आर आस्किंग रेजोल्यूशन, कहते हैं कि जो मर्जी है कर लो. अरे बाबा, फिर मैं रिपीट करूंगा, वीरप्पन को आपने वहां मारा, उनके साथियों को. यहां पर लोग जो है दे आर फाइटिंग फॉर पॉलिटिकल राइट्स, फॉर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, दे वांट अ रेजोल्यूशन टू कश्मीर डिस्प्यूट. तो आखिर में मेरी गुजारिश होगी के कृष्णा राव के विजय कुमार से कि मेहरबानी करके अपना जहन क्लियर कीजिए और एक फूजी की तरह नहीं, ये जो रिटायर ब्यूरोक्रेटों की वो आप इकबाल ने लिखा था इबलीस की मजलिस शुरा, मैं तो इस्तेमाल नहीं करूंगा लफ्ज, जो ये मजलिस शुरा गवर्नर साहब ने बनाई है 3-4 आदमी की, जब ब्यूरोक्रेट थे तब किसी के काम नहीं आते थे, और आज सिर्फ कश्मीरियों को मारने के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असॉल्ट, मर्डरस असॉल्ट, पैलेट बुलेट सारा कुछ. लिहाजा हम आखिर में यही गुजारिश करेंगे कश्मीरियों से, लेट अस नॉट कॉल ईच अदर नेम्स, लेट अस नॉट कॉल ईच अदर ट्रेटर्स. हम तारीख के एक नाजुक मोड़ में खड़े हैं जहां मुझे लग रहा है कि बीजेपी के पास 3 इश्यूज हैं. आपने भी शायद मजमून पढ़ा होगा, किसी कश्मीरी जर्नलिस्ट ने ही लिखा था जो दिल्ली में है, इश्तकार गिलानी का मजमून था, मैंने आज ही पढ़ा, अचानक मुझे याद आया कि 3 चीजें अब बीजेपी के पास है. एक, या तो वो राम मंदिर बनाकर वोट हासिल करेंगे, दूसरा कश्मीर में मारदार बढ़ाकर वोट हासिल करेंगे, या तीसरा पाकिस्तान के साथ कोई और खेल खेलकर यहां पर वोट हासिल करेंगे. वी विल अपील नरेंद्र मोदी, दिल्ली का तख्त आपको मुबारक हो. हमारे लिए आप और कांग्रेस में कश्मीरियों का उस सवाल से कोई फर्क नहीं, दैट यू डोंट वांट टू रिजॉल्व कश्मीर इशू, लेकिन हमारी लाशों के ऊपर दिल्ली के तख्त पर चढ़ने की कोशिश मत कीजिए. यह हर बार कांग्रेस ने भी इस्तेमाल किया था अब्दुल गोरू को मारकर, लेकिन अब्दुल गोरू के खून ने कांग्रेस को भी डुबो दिया और वही हाल आपका भी होगा. वी विल अपील ऑल कश्मीरी पोलिटिकल फोर्सेज दैट फॉर गॉड्स सेक बी यूनाइटेड. रेजोल्यूशन विल कम, नई दिल्ली के पास देने के लिए कुछ भी नहीं, इसीलिए पैलेट और गोलियां चलती है. आप सबका बहुत शुक्रिया. अगर आप पूछना चाहें तो